आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बैच फाइल। बैच फाइल क्या होता है, तो आइए इसे सीख। बैच फाइल जनरली एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम किसी भी फाइल को, किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को रन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, ये सारे सॉफ्टवेयर का नाम दिए गए हैं। इसे हम रन के थ्रू ओपन कर सकते हैं, इसे हम बैच फाइल के थ्रू भी रन करा सकते हैं। बैच फाइल जब भी आप बनाते हैं तो बैच फाइल बनाने का जो एक्सटेंशन नेम होता है, उस एक्सटेंशन नेम का नाम होता है .bat। यानी जब भी आप बैच फाइल बनाते हैं तो फाइल का नाम देते हैं, फाइल का नाम देने के बाद .bat लगाना ज़रूरी होता है। आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहले आप नोट पैड ओपन करते हैं, इसमें नया फाइल खोलते हैं। नया फाइल खोलने के बाद आपको इसमें किसी भी एक कमांड को रन कराना होता है तो उस कमांड को यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें नोट पैड ओपन करना है तो यहाँ पर हम कमांड के रूप में लिखेंगे नोट पैड, और नोट पैड से पहले आपको एक कमांड देना होता है स्टार्ट। स्टार्ट कमांड क्या करता है, किसी भी exe फाइल को ओपन करने का काम करता है। आपको सबसे पहले कमांड लिखना होता है स्टार्ट, फिर यहाँ पर आपको exe नेम लिखना होता है। जैसे नोट पैड खोलना है तो नोट पैड हमने लिख दिया। अगर आपको पेंट खोलना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ms पेंट। अगर कैलकुलेटर खोलना है तो यहाँ पर लिखेंगे calc। इस तरीके से जिस सॉफ्टवेयर को भी हमें खोलना है उस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर लिख कर ओपन कर सकते हैं। तो ये हम कमांड लिखते हैं, इसके बाद फाइल में जाते हैं, फाइल में जाकर सेव करते हैं। सेव करते समय आपको यहाँ पर फाइल का नाम मांगता है, तो यहाँ पर आप फाइल के नाम को देते हैं। जैसे अगर हम ये चाहते हैं ओपन पेंट, तो ओपन पेंट नाम का फाइल आप बनाते हैं, और .bat लगाना मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। यानी आप यहाँ पर फाइल का नाम कुछ भी दें, फाइल का नाम देने के बाद .bat आप ज़रूर जोड़ें, ये मैंडेटरी होता है। इसके बाद इसे हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, तो डेस्कटॉप पर हमने क्लिक किया और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। ये फाइल आपका ओपन पेंट नाम से डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गया। अब इस फाइल को हम क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो डेस्कटॉप पर आपका ये फाइल आ चुका है ओपन पेंट। अगर हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो ये फाइल आपका रन करता है, और रन करते ही देखते हैं तो ये पेंट हमारा ओपन होकर आ जाता है जिसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी कमांड्स होते हैं, जितने भी एक्से फाइल होते हैं, हम बैच के थ्रू रन करा सकते हैं। तो इस तरीके से बैच फाइल का हम यूज़ करते हैं, और बैच फाइल का यूज़ करके किसी भी exe को रन कराते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे हम cpl फाइल्स को भी बैच के थ्रू ओपन कर सकते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था cpl फाइल, msc फाइल और exe फाइल को ओपन रन के थ्रू कर सकते हैं, उन सभी को बैच फाइल के थ्रू भी आप रन करा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।